मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एफआईआर आपके द्वार पायलट योजना का शुभारंभ किया। यह योजना प्रत्येक संभागीय मुख्यालय पर एक शहरी थाना क्षेत्र में और एक ग्रामीण थाना क्षेत्र में शुरू की गई है। भोपाल में पिपलानी थाना और बैरसिया में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एफआईआर आपके द्वार 3 महीने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह योजना प्रदेश के कुल 23 थानों में शुरू की जा रही है। 31 अगस्त तक पायलट प्रोजेक्ट लगातार चालू रहेगा। इसके बाद इसकी समीक्षा कर इसको आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। भोपाल में ये 2 थानों में शुरू किया गया है। इसके बाद आगे भी थानों में ये सुविधा दी जाएगी। गंभीर अपराधों को छोड़कर अन्य मामलों में एफआईआर कराने के लिए व्यवस्था होगी। बताया जा रहा है कि डायल 100 पर मिली सूचना के बाद इन दोनों थानों की टीम फरियादी के घर जाकर एफआईआर दर्ज करेगी। इस दौरान प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षक और डीआईजी वेबकॉम से जुड़े रहेंगे। एफआईआर आपके द्वार के जरिए जवाहर चौक निवासी सुनील चतुर्वेदी ने अपनी गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। जैसा अभी डीजीपी साहब ने बताया कि 5 तारीख को ये बात चर्चा में आई थी जब मुख्यालय पे आए थे और आज 5 दिन बाद 11 तारीख है, एफआईआर आपके द्वार इस कार्यक्रम को लेके हमारी पुलिस आपके सामने है, पुलिसिंग आपके सामने है। ये कोरोना की महामारी जो वैश्विक महामारी थी सामने आई तो 3 चीजें और आई। एक तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व को यह संदेश दिया कि भारत आज भी विश्व गुरु बनने की क्षमता रखता है और उनकी पहल और उनके कदम विश्व के द्वारा सराहे गए। वो कमोबेश स्थिति हमारी हमारी पुलिस की थी कि वो कई ऐसे हमने बहुत सारे विजुअल और फुटेज सोशल मीडिया के माध्यम से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से देखे कि पुलिस के लोग डंडे मार रहे हैं या सोशल मीडिया जब लोग फाली देते उन्होंने कई तरह के बताए कि बख्तरबंद बांध के जा रहे हैं, लेकिन कई इस तरह के भी आए कि वो वृद्ध को कंधे पे उठाए घर पहुंचा रहे। किसी पीड़ित महिला को अबला को वो बिल्कुल पुत्र के रूप में उसको मां समझकर उसकी सेवा कर रहे हैं, किसी के छालों पर मलहम लगा रहे हैं। ये काम पुलिस ने किया और उसी अनूठी पहल में से एक ये पहल है जो मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान में सबसे पहली है। अभी तक लोग रिपोर्ट लिखाने थाने जाते थे, अब थाना रिपोर्ट लिखने घर पर जाएगा। ये देश की पहली पहल है हमारी जो एक नजीर बनेगी। आज जैसा अभी आदरणीय जोहरी साहब ने बताया कि ये हमारे प्रमुख शहरों में कमोबेश संभागीय मुख्यालयों का एक शहर और एक देहात का थाना लिया है। ये प्रयोग के बतौर है, अगर ये हमारा प्रयोग सफल होता है तो इसका विस्तार और करेंगे अथवा अनुभव आयार करेंगे। एक अच्छी शुरुआत है, उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं। इतनी जल्दी ये शुरुआत की इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भी है। इस दौर में हम अपनी काम को और मुस्तैदी से करेंगे और जो हमारी इमेज बनी है उसके लिए शासन और प्रशासन के स्तर पर हमारे जो जवान सड़क पर खड़े हैं और वास्तव में जो इस 42 टेम्परेचर में भी किट पहन लेते हैं उनको नमन करता हूं आप सबके सामने और आप सबके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से उन जवानों की ये शाबाशी भी भेजता हूं जो ऐसी गर्मी में भी ऐसी चिलचिलाती धूप में भी पसीने से तरबतर होके भी वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, हमारी जान को बचा रहे हैं। इस अभिनव योजना एफआईआर आपके द्वार के शुभारंभ पर मैं सभी को शुभकामना देता हूं और प्रदेशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि इस बार जैसा हमारी डायल 100 ने प्रदेश के अंदर चालू हुआ तब लोग तरह तरह की आशंकाएं कुशंकाएं और शंकाएं उस डायल 100 के बारे में लगा रहे थे जो सबकी सब असत्य साबित हुए। 5 लाख से ज्यादा लोग एक्सीडेंट वाले। माननीय गृह मंत्री जी के निर्देश पर यह योजना मध्य प्रदेश में लागू की गई है
एफआईआर आपके द्वार। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के 23 थाने भी चिन्हित किए गए हैं, जो संभागीय मुख्यालयों के थाने हैं वो, और उनमें ये सुविधा रहेगी कि डायल 100 जब शिकायत के निराकरण के लिए शिकायतकर्ता के घर पहुंचेगी तो आवश्यकता पड़ने पर वहां पर एफआईआर भी ले लेगी। हमें उम्मीद है कि इस सुविधा के प्रारंभ होने से आम नागरिकों को और बेहतर सहूलियत होगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।